हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की गति को समझें, जैसा कि भजन संहिता अध्याय 103 उसकी 7 आयत में लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इसराइलियों के ऊपर अपने काम और मूसा के ऊपर अपनी गति को प्रकट किया। जब आप मूसा के बारे में ध्यान से पढ़ें, तो लिखा है कि मूसा हर समय यही ध्यान रखता था कि परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा, यानी कि उसके अंदर हमेशा यही बात रहती थी कि परमेश्वर के मन में जो चल रहा है, उसकी जो मर्जी है वो उसको पता हो। उसी तरह जब आप इसराइलियों के बारे में पढ़ें, तो लिखा है कि उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि परमेश्वर उनके जीवन के लिए काम करे, चमत्कार करे और उन्हें छुड़ाए। पर मूसा ने हमेशा परमेश्वर की गति के विषय में ही समझना चाहा। यही कारण था कि परमेश्वर ने मूसा के साथ बातें की और मूसा परमेश्वर की पीठ के दर्शन भी कर पाया। इसीलिए जब मूसा पहाड़ से नीचे आ रहा था, तो उसके मुंह से किरणें निकल रही थी। मेरे प्रियो, आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आप किस किस्म के लोगों में आना चाहते हैं। वह लोग जो सिर्फ परमेश्वर के कामों को ही देखना चाहते हैं, या वह जो परमेश्वर की गति को समझना चाहते हैं। परमेश्वर में चलते हुए आपके जीवन में बहुत सी चुनौतियां आती हैं। इसका पहला कारण ये है कि आप इस बात को समझ सकें कि परमेश्वर आपको उन मुश्किलों चुनौतियों से निकालने की सामर्थ्य और ताकत रखता है। इसीलिए एक ताकतवर राजा फिरौन से परमेश्वर ने इसराइलियों को छुड़ाया ताकि वह अपनी सामर्थ्य और ताकत उन्हें दिखा सके। उसी तरह से आपको अपने जीवन में चुनौतियों से निकलना इसीलिए जरूरी होता है कि आप अपने आप को समझ सकें। याद रखें, गिदोन अपने आप को कभी समझ ना पाता अगर परमेश्वर उसको आकर एक बात ना कहते कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसके जीवन में चुनौती और मुसीबत आई ताकि वह समझ पाए कि वह कौन है। उसी तरह से जब तक आपके जीवन में चुनौतियां मुसीबतें नहीं आती, तब तक आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप असल में कौन हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने ध्यान को हमेशा परमेश्वर की ओर लगाएं, जिस तरह मूसा का ध्यान परमेश्वर की ओर था। आपने बहुत से बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनमें से कई बच्चों का ध्यान अपने पिता की जायदाद की ओर और कई बच्चों का ध्यान अपने पिता की ओर होगा कि मुझे अपने पिता की सेवा करनी है। इसीलिए वह अपने आप अपने पिता की जायदाद का हकदार होगा। पर जो बच्चा अकेली अपने पिता की जायदाद देख रहा है, उसके पिता को भी पता होगा कि इसके अंदर क्या है। इसलिए आज एक मसीही को चाहिए कि वह परमेश्वर के कामों को नहीं बल्कि परमेश्वर को देखे। फिर जो कुछ परमेश्वर का है वह अपने आप आपको मिल जाएगा और आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी कर पाएंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर के जितने लोग आपके वचन को पढ़ें या सुनें, वे आपके तेज और आपकी गति को समझ सकें और अपनी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।